हाय गाइस, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल बेक स्माइल और मैं पृथ्वी सर आप सभी को बीएड सेकंड ईयर का दूसरा पेपर जिसका नाम है अधिगम का आकलन एवं क्रियात्मक अनुसंधान, अधिगम का आकलन एवं क्रियात्मक अनुसंधान से मैं आपके लिए तीन क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। प्रथम क्वेश्चन है सीएससी क्या होता है, दूसरा है नो डिटेंशन किसे कहते हैं एंड तीसरा है ग्रेडिंग प्रणाली की विशेषता। तो बीएड सेकंड ईयर के पेपर टू से तीन क्वेश्चन, जिसमें से सबसे पहले सीएससी क्या है। और इसके पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, मैं निरंतर ही बीएड सेकंड ईयर का वीडियोज अपलोड करता हूं और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता हूं कि बच्चों को अच्छा समझ में आए, ताकि वे हमारे YouTube चैनल बेक स्माइल को सब्सक्राइब करें। और आप लोग दोस्तों सपोर्ट फॉर मी, हमारा सपोर्ट करें, सब्सक्राइब और शेयर लाइक ज़रूर करें। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज CSCCE, CCE क्या होता है। तो CCE का यदि फुल नेम जाने तो क्या होता है, कंटिन्यूअस एंड कम्प्रहेंसिव लर्निंग एंड इवेल्युएशन, कंटिन्यूअस एंड कम्प्रहेंसिव लर्निंग एंड इवेल्युएशन, CCE, सी फॉर कंटिन्यूअस एंड सी फॉर कम्प्रहेंसिव, एल फॉर लर्निंग एंड इवेल्युएशन, CCE। इसका अर्थ होता है सतत तथा व्यापक अधिगम और मूल्यांकन, सतत तथा व्यापक अधिगम और मूल्यांकन। तो दोस्तों यदि एक एक अर्थ की बात करें तो यहाँ सतत का अर्थ होता है कंटिन्यू यानी लगातार, तथा व्यापक का अर्थ होता है फैला हुआ यानी लगातार फैला हुआ क्या अधिगम, शिक्षा, शिक्षा जो हमारी होती है वो लगातार फैली हुई होती है और शिक्षा लगातार फैली हुई होती है और उसका मूल्यांकन कैसे किया जाए, CCE का मतलब बस यही है। तो इसका मूल्यांकन बच्चों में किया जाता है, किसमें किया जाता है, बच्चों में। तो सतत तथा व्यापक अधिगम यानी व्यापक शिक्षा, लगातार चलने वाली शिक्षा, फैली हुई शिक्षा का मूल्यांकन बच्चों में किस प्रकार किया जाना चाहिए, तो बच्चे की प्रगति की तुलना करके करनी चाहिए। कैसे करनी चाहिए, बच्चे की प्रगति की तुलना करके करनी चाहिए, इसके स्वयं की पिछली प्रगति की से की जाती है। मतलब CCE जो कि आपका सतत व्यापक अधिगम मूल्यांकन है, यानी बच्चे के अंदर लगातार होने वाले शिक्षण में क्या उसके आंतरिक बदलाव हो रहे हैं, यह किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो ये CCE हमें यही बताती है कि किसी भी बच्चे की प्रगति का जो तुलना है उसको किससे करना चाहिए, स्वयं उसी बच्चे से करना चाहिए, स्वयं की पिछली प्रगति से की जाती है, यानी बच्चे ने पिछले क्लास में कितना सीखा और फिर आने वाले क्लास में कितना सीखा, फिर जाने वाले क्लास में कितना सीखेगा। तो CCE का मूल्यांकन, सतत व्यापक अधिगम का मूल्यांकन हम बच्चे में उसकी क्लास चेंजिंग के अनुसार समझते हैं, ना कि किसी अन्य बच्चे की तुलना या अन्य बच्चे की प्रगति से इस क्षेत्र के अंतर्गत पहचाना जाता है। मतलब किसी बच्चे की तुलना के आधार पर उसके ज्ञान का मूल्यांकन हम न करके उसी बच्चे के निरंतर नेक्स्ट क्लास टू नेक्स्ट क्लास में जाने पर उसके अंदर के शैक्षिक भावों को समझना और उसके स्वयं की तुलना करना ही CCE होता है। इस क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है, सहशैक्षिक क्रिया आती है, क्या आती है, सहशैक्षिक क्रिया आती है, और इस क्रिया के बाद क्या आता है, बच्चों के बीच का खेलकूद आता है, योग आता है, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियां भी आती हैं। बच्चों में क्या क्या आती हैं, खेलकूद, योग, साहित्यिक, सांस्कृतिक गतिविधियाँ और उनके कार्यों का अनुभव भी उनमें सहयोग करता है। अनुशासन, अभिवृत्ति आदि क्षेत्रों को भी इसमें CCE के अंतर्गत शामिल किया जाता है। अनुशासन से आप समझते हैं कि बच्चों में जो अनुशासन होता है, अभिवृत्ति क्या होता है दोस्तों, बच्चों के अंतर्गत जो भी निगेटिविटी है,
और जो भी पॉजिटिविटी है वही उसकी क्या कहलाती है, अभिवृत्ति कहलाती है। सकारात्मकता एवं नकारात्मकता, किसी बच्चे की सकारात्मकता, क्या उसमें सकारात्मक गुण हैं, क्या उस बच्चे में नकारात्मक गुण है, इन सारी चीज़ों को हम एक साथ अभिवृत्ति कहते हैं। अभिवृत्ति आदि क्षेत्रों को भी क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है, यानी CCE के अंतर्गत हम क्या क्या शामिल कर सकते हैं, बच्चों का खेलकूद, योग, साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियाँ, बच्चों का खेलकूद, योग और साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियाँ, इसके बाद उनके कार्यों का अनुभव, उनमें सहयोग, उनके अनुशासन, अभिवृत्ति यानी उनकी निगेटिविटी पॉजिटिविटी आदि क्षेत्रों को CCE के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो दोस्तों CCE का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूअस यानी लगातार, एंड कम्प्रेहेंसिव का मतलब होता है व्यापक, लगातार व्यापक यानी फैला हुआ, लगातार फैला हुआ लर्निंग यानी सीख एंड इवेल्यूएशन, उस सीख का मूल्यांकन, किसी भी बच्चे के अंदर जो लगातार फैली हुई सीख है उस चीज़ का मूल्यांकन ही CCE कहलाता है। यानी CCE का मतलब क्या हो जाता है, कंटिन्यूअस एंड कम्प्रेहेंसिव लर्निंग एंड इवेल्यूएशन, कंटिन्यूअस एंड कम्प्रेहेंसिव लर्निंग एंड इवेल्यूएशन। एक बार फिर से देखते हैं दोस्तों, कंटिन्यूअस एंड कम्प्रेहेंसिव लर्निंग एंड इवेल्यूएशन CCE होता है। तो होप यू गाइज, आप सबको पहला क्वेश्चन CCE समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जिसका नाम है नो डिटेंशन, व्हाट इज नो डिटेंशन, चलिए देखते हैं। तो भारत की मौजूदा शिक्षा प्रणाली के अनुसार, यानी जो हमारे भारत की मौजूद शिक्षा प्रणाली है, जो हमारे भारत की मौजूद शिक्षा व्यवस्था है, जो हमारे भारत की मौजूद शिक्षा सिस्टम है, उनमें क्या होता है, आठ से स्तर आठ तक, यानी LKG से आठ तक के सभी छात्रों को हम क्या करते हैं, स्वचालित रूप से अगली कक्षा में पदोन्नत कर देते हैं। हम लोग आजकल की शिक्षा प्रणाली में क्या करते हैं, LKG, UKG, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक के बच्चों को हम क्या करते हैं, उनके आधुनिक शिक्षा प्रणाली यानी भारत की मौजूदा शिक्षा प्रणाली के आधार पर 8वीं तक के बच्चों को, 8वीं तक के सभी छात्रों को हम क्या करते हैं, स्वचालित रूप से यानी कि स्वयं रूप से उनको अगली कक्षा में पदोन्नत कर देते हैं, यानी अगली कक्षा में उन्हें हम भेज देते हैं, ठीक है दोस्तों। और शिक्षा का अधिकार, एक शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार, एक शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, और वो शिक्षा का अधिकार अधिनियम अनुच्छेद 21 का शिक्षा का अधिकार सबको बराबर रूप से दिया जाना चाहिए। अनुच्छेद 21 का के अनुसार हम लोग क्या करते हैं, किसी को भी शिक्षा से वंचित नहीं करने देते हैं, यानी हमारा एक अनुच्छेद है जिसका नाम है अनुच्छेद 21 का, ये हमें क्या बताता है कि हम भारत के में रहने वाले समस्त विद्यार्थियों को किसी को भी शिक्षा से वंचित नहीं कर सकते हैं, इसे ही हम लोग नो डिटेंशन कहा की नीति कहते हैं, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, नो डिटेंशन की नीति कहते हैं। नो डिटेंशन की नीति में दो चीज़ें आती हैं दोस्तों, पहला तो हम 8वीं तक के बच्चों को हम उनकी पदोन्नति कर देते हैं, दूसरा चीज़ ये आता है कि अनुच्छेद 21 का हमें ये बताता है कि हम भारत में निहित समस्त स्टूडेंट्स को बराबर का शिक्षा का अधिकार देते हैं, यानी शिक्षा के लिए किसी पर कोई रोक नहीं है, इसी को हम नो डिटेंशन नीति कहते हैं। तो नो डिटेंशन नीति आप सबको समझ में आ गया होगा दोस्तों, एक बार फिर दोहराते हैं, भारत की मौजूदा शिक्षा प्रणाली के अनुसार, यानी भारत में जो मौजूद शिक्षा प्रणाली है, शिक्षा व्यवस्था है, शिक्षा का सिस्टम है, वो 8वीं तक के बच्चों को, 8वीं तक के सभी छात्रों को क्या करते हैं, स्वचालित रूप से हमको, स्वचालित रूप का मतलब स्वयं के रूप से, यानी स्वयं से ही हम क्या करते हैं, अगली कक्षा में उनको पदोन्नत कर देते हैं, यानी अगली कक्षा में उनको अग्रेषित कर देते हैं, भेज देते हैं। क्यों भेज देते हैं, क्योंकि सबको शिक्षा का अधिकार है, यदि हम उनको फेल कर देते हैं, पहला चीज़ उनका वर्थ जाया जाएगा, दूसरा चीज़ उनको भी शिक्षा लेने का अधिकार है।
और शिक्षा लेने के अधिकार का अधिनियम जो हमें बताता है, जो 21 का है, शिक्षा लेने के अधिकार का अधिनियम 21 का हमें ये बताता है कि किसी को भी शिक्षा से वंचित नहीं किया जाएगा, किसी को भी शिक्षा से वंचित नहीं किया जाएगा। इसी को ही हम क्या कहते हैं, नो डिटेंशन कहते हैं। होप यू गाइस दो क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसका नाम है ग्रेडिंग प्रणाली विशेषता। तो ग्रेडिंग प्रणाली की विशेषता क्या होती है? तो यहाँ पे दोस्तों ग्रेडिंग का मतलब होता है ग्रेड से, यानी ग्रेड क्या होता है, आप लोगों ने मार्कशीट पर देखा होगा कि ग्रेड ए, ग्रेड ए वन, ग्रेड बी वन, बी टू, ए प्लस, जो भी वाट एवर टीचर्स जैसे चाहे वैसे दे सकता है, इसी को हम ग्रेड कहते हैं। और ग्रेड कैसे दिया जाता है, अकॉर्डिंग टू द मार्क्स, मार्क्स के पाए जाने के अनुसार ग्रेड दिया जाता है। तो ग्रेड की विशेषता क्या होती है, इसकी अगर हम बात करें तो एक अच्छी ग्रेडिंग प्रणाली निष्पक्ष होती है, यानी एक अच्छी अगर ग्रेडिंग प्रणाली को हम देखें तो वो क्या होनी चाहिए, निष्पक्ष होनी चाहिए। होता ये है कि हम जो बच्चे अच्छे रहते हैं उनको हम कम ग्रेड दे करके खराब बच्चों को ज़्यादा ग्रेड देते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, निष्पक्षता नहीं हुआ, बल्कि हम उन बच्चों के पक्ष में हो गए जो कम नंबर प्राप्त करने वाले हैं, लेकिन हमें ग्रेड उन बच्चों को अच्छा देना चाहिए जो बच्चे अच्छे नंबर लाते हैं। तो इसलिए सबसे पहला फैक्ट यही दिया गया है कि ग्रेडिंग प्रणाली की विशेषता में एक अच्छी ग्रेडिंग प्रणाली क्या होती है, निष्पक्ष होती है। एक अच्छी ग्रेडिंग प्रणाली क्या होती है, निष्पक्ष होती है दोस्तों, और निष्पक्ष होनी भी चाहिए। एक अच्छी ग्रेडिंग प्रणाली क्या होती है, निष्पक्ष होती है, और एक अच्छी ग्रेडिंग प्रणाली स्टूडेंट्स को कभी भी हतोत्साहित नहीं करती है। हतोत्साहित का मतलब क्या हो गया दोस्तों, कि परेशान नहीं करती है। यदि स्टूडेंट्स को उनके मेहनत के हिसाब से उनको ग्रेड और उनको मार्क्स और उनको परसेंटेज मिलता है तो वो दोस्तों परेशान नहीं होते हैं, हतोत्साहित नहीं होते हैं, तथा आगामी जीवन में बेहतर पढ़ाई करने का अटल प्रयास करते हैं, और वे दोस्तों बहुत ही आगे जाते हैं। यदि हम उनकी ग्रेडिंग को कम करते हैं तो उनका मनोबल जो है नीचे हो जाता है, जिससे उनको पढ़ाई में रुचि हटती है। तो दोस्तों हमें सबसे पहले हम टीचर्स को ये ध्यान देना चाहिए कि हम जैसे बच्चे पढ़ते हैं उनके अकॉर्डिंग हम उनका ग्रेडिंग करें, ताकि बच्चों में ये फील ना हो कि सामने वाला बच्चा कमज़ोर था फिर भी हमारा ग्रेड सर ने कम दिया, या वह सर का घर का बच्चा है तो हम सर से पराए हैं तो नहीं दिया। आजकल दोस्तों क्या होता है कि जिन कॉलेजेज स्कूलों में हम पढ़ाई करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जातिवादिता के अनुसार मार्क्स दिए जाते हैं, क्योंकि मार्क्स तो दोस्तों मेहनत से लाया जाता है, लेकिन अगर हम बात करें प्रैक्टिकल मार्क्स की तो ये प्रैक्टिकल मार्क्स स्कूल प्रोवाइड करता है दोस्तों। तो स्कूल उन बच्चों को बेहतर प्रोवाइड करता है मार्क्स जो बच्चे उनके जात से मैच खाते हैं। जैसे यदि पंडित जी का स्कूल हो गया तो दोस्तों पंडित जी ने क्या किया, अगले पंडित जी के बच्चों को मार्क्स अच्छा दे दिया, और कौन सा मार्क्स, क्योंकि उनके हाथ में रिटेन एग्जाम तो है नहीं, तो उनके हाथ में जो प्रैक्टिकल एग्जाम होता उस मार्क्स को उन्होंने क्या किया, अदर कैंडिडेट्स के अलावा जो पंडित जी के कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो पंडित जी के कॉलेज में पंडित जी के लड़कों को ज़्यादा मिल जा रहा है, इसी प्रकार से ठाकुर जी के पढ़ रहे हो तो ठाकुर जी में ठाकुर जी को ज़्यादा मिल जा रहा है। तो इस प्रकार से नीचे स्तर के जो जातियाँ हैं वे मार खा जाती हैं, इस प्रकार से उनका परसेंटेज कुछ स्लो हो जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एजुकेशन सिस्टम में हम जातिवादिता को ना लाए दोस्तों, जातिवादिता यदि हम एजुकेशन सिस्टम में लाते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम एक एजुकेशन सिस्टम में अपने देश को पीछे कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जब बच्चा किसी भी जाति का हो सामान्य रूप से अपने पढ़ाई के अकॉर्डिंग अग्रेषित होगा आगे निकलेगा तो वो दोस्तों बहुत ही देश का नाम रोशन करेगा और आगे जाएगा, अनेक अनेक चीज़ों को डिस्कवर करेगा, देश के लिए कुछ अच्छा करेगा। लेकिन आज की शिक्षा सिस्टम में जातिवादिता के वजह से हम उन बच्चों को कम मार्क्स देते हैं जिन बच्चों की जाति का स्कूल नहीं होता है, और मोस्टली स्कूल विद्यालय कॉलेजेज जो खोले जाते हैं ठाकुर पंडित एंड समथिंग यादव, बाकी सारी जातियों में ज़्यादा विद्यालय नहीं होते हैं।
तो आज अगर हम बात करते हैं ग्रेडिंग प्रणाली की, तो सबसे पहले हमने बात किया कि जो ग्रेड दिया जाना चाहिए, मार्क्स दिया जाना चाहिए, वो निष्पक्ष देना चाहिए दोस्तों। दूसरा चीज़, अच्छी ग्रेडिंग प्रणाली में इससे क्या फ़ायदा होता है कि बच्चा कभी हतोत्साहित नहीं होता, उसका मनोबल बना रहता और वो अच्छे से पढ़ाई करता है। इसमें विद्यार्थी का मूल्यांकन सीधी तरह से ग्रेड के रूप में किया जाता है। जो भी विद्यार्थी होता है उसका मूल्यांकन ग्रेड के रूप में किया जाता है। यदि वो विद्यार्थी अच्छी तरीके से पढ़ाई में है तो उसको ग्रेड ए मिलेगा, ए प्लस मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो ग्रेड से किया जाता है। एग्जाम में मिले मार्क्स के आधार पर ग्रेड दिया जाता है। मैंने ऑलरेडी बता भी दिया दोस्तों कि एग्जाम में मिले मार्क्स के अनुसार ही ग्रेड दिया जाता है। तो एक बार इस क्वेश्चन को फिर दोहराते हैं दोस्तों। ग्रेडिंग प्रणाली की विशेषता क्या है? ग्रेडिंग प्रणाली की जो विशेषताएँ हैं वह इस प्रकार हैं। जैसे कि सब अच्छी ग्रेडिंग प्रणाली जो होनी चाहिए, पहला चीज़ तो निष्पक्ष होनी चाहिए। निष्पक्ष होने का क्या अर्थ है दोस्तों? हम किसी भी पक्ष में आकर के किसी ऐसे बच्चे को ग्रेड ज़्यादा ना करें जो बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है, बल्कि उन बच्चों को हम ग्रेड अच्छा दें जो बच्चा पढ़ने में अच्छा है। दूसरा चीज़, अच्छा ग्रेडिंग प्रणाली क्या करता है? बच्चों को प्रोत्साहन देता है, उनको हतोत्साहित नहीं करता, उनके मनोबल को गिराता नहीं है। इसलिए हम मार्क्स पाने के अकॉर्डिंग ग्रेड को देते हैं। थैंक यू एंड हैव नाइट दोस्तों। ये था हमारा YouTube चैनल बेक स्माइल और मैंने आपको आज 3 क्वेश्चन हल कराए। होप यू दोस्तों आप सबको समझ में आया होगा। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक टू आवर चैनल बेक स्माइल। आई पृथ्वीराज चौहान आप सभी को तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। इसी तरह से हमारे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू एंड हैव नाइट डे दोस्तों।